हेलो, आवाज आ रही सभी को? हाँ, ओके, सो गुड मॉर्निंग टू ऑल। तो लास्ट लेक्चर में हमने स्टार्ट किया था पीरियडिक प्रॉपर्टीज, उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो हमने पीरियडिक टेबल बनवा लिया था ना, उसका एनालिसिस कर लेते हैं। नेक्स्ट स्टडी डालो, एनालिसिस ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। थोड़ी देर में स्टार्ट करते हैं। दैट्स एक्चुअली यार, मेरे पास पेपर नहीं, वो पेपर मैंने सेट नहीं किया था, सो मेरे पास करंटली वो पेपर है नहीं। और पहले थोड़ा सा ये कर लेते हैं, मैं जिस कुछ पार्ट है वो करा लेता हूँ, इसका एनालिसिस वाला पार्ट। उसके बाद अगर टाइम रहेगा तो बोल कॉन्सेप्ट वाला पार्ट हम डिस्कस कर लेंगे। एक्चुअली नेक्स्ट वीक से तुम्हारा बैच जो है किसी दूसरे बैच के साथ मर्ज किया जाएगा, तो दैट्स व्हाई वी हैव टू कंप्लीट सम पार्ट। ठीक है, वो पार्ट कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद अगर बचता है टाइम तो उसमें मोल कंसेप्ट वाला पार्ट करा दो। आई थिंक 7 मई बैच के साथ मर्ज होगा तुम्हारा बैच, 7 मई या 25 अप्रैल के साथ।
ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास पीरियोडिक टेबल हमने बनाई थी, तो हाइड्रोजन की सबसे पहले बात करते हैं। हाइड्रोजन जो है वो फर्स्ट एलिमेंट है। सो हाइड्रोजन कैन बी प्लेस्ड इन फर्स्ट ग्रुप ड्यू टू सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ठीक है। तो ड्यू टू सिमिलर कॉन्फिगरेशन ये फर्स्ट ग्रुप में रखा जा सकता है, लेकिन ऑब्वियसली इसकी प्रॉपर्टी जो फर्स्ट ग्रुप वाली नहीं। तो प्रॉपर्टी के हिसाब से जब देखें तो 17th ग्रुप में रखा जा सकता है। तो इन फर्स्ट ग्रुप ड्यू टू सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन एंड इन 17th ग्रुप ड्यू टू सिमिलर प्रॉपर्टीज। 17th ग्रुप मतलब हेलोजन वाला ग्रुप ठीक है। तो इसकी प्रॉपर्टीज मतलब किससे मैच होती है, 17th ग्रुप से या हेलोजन वाले ग्रुप से, और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किससे मैच होता है, फर्स्ट ग्रुप से ठीक है। तो फर्स्ट ग्रुप से इसकी प्रॉपर्टी मैच नहीं होगी क्योंकि फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट मेटल से और हाइड्रोजन क्या है, नॉन मेटल ठीक है। तो एक्चुअली क्या है, कुछ पीरियोडिक टेबल में तुम देखोगे कि ये अलग से लिखा होता है ठीक है। हाइड्रोजन को कुछ पीरियोडिक टेबल में ना तो फर्स्ट ग्रुप में रखते हैं ना 17th ठीक है, तो उसको सेपरेटली रखते हैं। तो और आगे जब तुम पढ़ोगे, जब अलग अलग ग्रुप से आगे पढ़ने वाले हो डिटेल में, तो हाइड्रोजन को सेपरेटली पढ़ा जाता है ठीक है। तो हाइड्रोजन तो स्टडी ऑफ हाइड्रोजन इज डन सेपरेटली ठीक है। तो हाइड्रोजन को हम सेपरेटली स्टडी करते हैं, ना तो फर्स्ट ग्रुप के साथ उसको स्टडी किया जाता है ना 17th ग्रुप के साथ किया जाता है ओके। तो ये हाइड्रोजन आ गया। नाउ अलग अलग हमारे पास जो ब्लॉक है बोलेंगे, यस दैट सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन फर्स्ट ग्रुप जैसा रहता है, लेकिन प्रॉपर्टी वैसी नहीं है। क्लियर सबने? हो गया ना? नाउ अब हम लेते हैं अलग अलग ब्लॉक। सो एस ब्लॉक एलिमेंट एस ब्लॉक एलिमेंट्स में क्या होता है, जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो एस ऑर्बिटल में एंटर होता है। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इनटू एस ऑर्बिटल। लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है एस ऑर्बिटल में एंटर होता है। तो इसमें हमारे पास दो ग्रुप है
एक है ग्रुप वन और एक है ग्रुप टू। सो ग्रुप वन जो है उसको हम एल्कली मेटल भी बोलते हैं, एल्कली मेटल ग्रुप। ठीक है, तो इसमें क्या क्या है, इसमें लिथियम, सोडियम, ठीक है, सो ये सब हमारे पास उसमें है। एंड ग्रुप टू जो है इसको हम बोलते हैं एल्कलाइन अर्थ मेटल ग्रुप। ठीक है, ग्रुप टू को हम क्या बोलते हैं, एल्कलाइन अर्थ मेटल ग्रुप। तो इसमें बी से लेकर, ठीक है, आर एल तक ये हमारे पास होते हैं। तो एल्कली मेटल एंड एल्कलाइन अर्थ मेटल ग्रुप। दस जैसे मैंने बताया हाइड्रोजन को हम सेपरेटली स्टडी करते हैं, ठीक है, तो उसको एस ब्लॉक एलिमेंट हम नहीं ले। तो ये हमारे पास है। नाउ इनका अगर हम जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करेंगे, ठीक है, तो इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है जो है एस ब्लॉक एलिमेंट का, वो क्या रहता है, तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो ये रहता है हमारे पास, देखो एन एस वन टू, या तो वन इलेक्ट्रॉन होंगे या दो इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, एन एस मतलब एन यहां पर क्या हो गया, इस तरह से एन हो गया यहां पर थ्री एड नंबर। ठीक है, तो एन हो गया थ्री एड नंबर, और एस में या तो एक इलेक्ट्रॉन या दो इलेक्ट्रॉन। ठीक है, जैसे एल आई के लिए क्या हो गया, ये एल आई के लिए हो गया टू एस वन, ठीक है, एन ए के लिए क्या हो गया थ्री एस वन, के लिए क्या हो गया फोर एस वन, आर बी के लिए फाइव एस वन, इसके लिए सिक्स एस वन, इसके लिए सेवन एस वन। ठीक है, अगर यहाँ पर देखेंगे तो टू एस टू, थ्री एस टू, फोर एस टू, फाइव एस टू, सिक्स एस टू, सेवन एस टू, समझ आया। ठीक है, तो ये एन यहाँ पर एक तरह से क्या हो गया, पीरियड नंबर हो गया। ओके, सो पीरियड नंबर आ गया, एंड देन एस में या तो एक इलेक्ट्रॉन होगा या दो इलेक्ट्रॉन। ऑब्वियसली एल्कली मेटल के लिए एक इलेक्ट्रॉन, एल्कलाइन अर्थ मेटल के लिए दो इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगुरेशन होगा। इसके अलावा देखो क्या है, एन इज पीरियड नंबर, एन यहाँ पर क्या हो गया पीरियड नंबर हो गया। ठीक है, इससे पहले ऑब्वियसली नोबेल गैस आएगी, इस वाले पार्ट से पहले क्या रहेगा, नोबेल गैस रहेगा। जैसे अगर मान लो हमने लिया कैल्शियम, तो कैल्शियम कौन से पीरियड में आता है, कैल्शियम कौन से पीरियड में आता है, फोर्थ पीरियड में आता है ना, तो इसका क्या हो जाएगा फोर एस टू, और ये फोर एस टू से पहले क्या रहेगा, ऑब्वियसली कोई नोबेल गैस रहेगा। ठीक है, तो कैल्शियम से पहले वाली नोबेल गैस जो है यहाँ पर आ जाएगा। क्लियर है? ठीक है, तो अगर तुम्हें इसका लेना है तो हमारे पास नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन ये हो गया, एंड देन फोर एस, समझ आया नहीं आया? ठीक है, तो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन रहेगा, फिर एन रहेगा, वो एन जो है वो क्या है, पीरियड नंबर हो गया, एंड देन एस में एक या तो एक इलेक्ट्रॉन होगा या दो इलेक्ट्रॉन होगा। ओके, तो यहाँ पर एन जो है इट इज नथिंग बट पीरियड नंबर। ओके, सो ये जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा। इसके अलावा एल्कली मेटल्स जो हैं, वो एल्कली मेटल्स हमारे पास काफी सॉफ्ट होते हैं। ठीक है, एल्कली मेटल्स क्या होते हैं, सॉफ्ट होते हैं। वेरी सॉफ्ट, अगर पता हो तो सोडियम जो है उसको तो हम नाइफ से भी कट कर सकते हैं। ठीक है, एल्कली मेटल जो है काफी सॉफ्ट होते हैं, सोडियम जो है उसको तो क्या कर सकते हैं, नाइफ से भी कट किया जा सकता है। इसकी पावर नहीं है ना, एस एस की पावर थोड़ी है, वो एस के इलेक्ट्रॉन है ना, एस में या तो एक इलेक्ट्रॉन होगा या दो इलेक्ट्रॉन होगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं पड़ा, तो या तो एस में एक इलेक्ट्रॉन होगा या दो इलेक्ट्रॉन होगा। तो अगर
फर्स्ट ग्रुप है तो एक इलेक्ट्रॉन आएगा, सेकंड ग्रुप है तो दो इलेक्ट्रॉन आएंगे। ठीक है, जैसे मान लो तुमसे कोई बोलता है कि आरबी का क्या है, तो आरबी का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा यार? मान लो तुमसे कोई आरबी का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछता है, तो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, देन आरबी कौन से वाले पीरियड में, ये देखो ये सेकंड पीरियड, ये थर्ड पीरियड, ये फोर्थ पीरियड, ये फिफ्थ पीरियड, तो आरबी कौन से पीरियड में, फिफ्थ पीरियड। ठीक है, सो फिफ्थ पीरियड में तो फाइव एस, एंड देन फर्स्ट ग्रुप में कितना इलेक्ट्रॉन रहता है, एक रहता है एस में। ठीक है, तो फाइव एस, ओके। तो बेसिकली मेनली यही वाला पार्ट है अपने पास, या तो एनएस में एक इलेक्ट्रॉन रहेगा या दो रहेगा, फर्स्ट ग्रुप है तो एक इलेक्ट्रॉन, सेकंड ग्रुप है तो दो इलेक्ट्रॉन। क्लियर है सभी को? ठीक है, सो ये हमारे पास एस ब्लॉक एलिमेंट हो गए। तो फर्स्ट ग्रुप का नाम क्या है, एल्कली मेटल, और सेकंड ग्रुप का नाम क्या है, एल्कलाइन अर्थ मेटल। मधुल, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन लिखा जाता है कि नहीं लिखा जाता? एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ा है ना, उसमें हम पूरे कॉन्फ़िगरेशन को इन टर्म्स ऑफ नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन लिखते थे ना, तो वही है ना, वो 5s1 जो है वो वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, या आउटर मोस्ट वाला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, उससे पहले क्या है, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन रहेगा। अगर तुम्हें पूरा कॉन्फ़िगरेशन लिखना है तो काफी बड़ा रहेगा, उसको शॉर्ट करके हमने क्या लिख दिया, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन एंड देन बचा हुआ कॉन्फ़िगरेशन। यस दक, जैसे मैंने बताया था पीरियड जो है किस बेसिस पर आए थे, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन के बेसिस पर आए थे। हो गया सबका? फॉर ऑल, नोबल गैस तो सभी के लिए आता है ना यार, ये तो जस्ट मैंने एग्जाम्पल लिया है, श्रीसा आई हैव टेकन ओनली एग्जाम्पल, बाकी ये तो सबके लिए रहेगा। हमने सी ए एंड आर वी का एग्जाम्पल ले लिया है, हर एक के लिए ये चीज रहेगी ना। एल आई के लिए नोबल गैस क्या है, एल आई और बी के लिए नोबल गैस हीलियम हो गया, एन ए और एम जी का जब देखोगे तो क्या हो गया, नियॉन हो गया, के और सी ए का जब देखोगे तो आर्गन हो गया। समझाया? यस सृष्टि, तो ये एक तरह से वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन है, या हम ऐसे बोल सकते हैं आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, जो नोबल गैस हमारे पास आई है उससे के बाद का कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, जैसे सी ए से पहले जो नोबल गैस है, उस नोबल गैस के अलावा जो बचा हुआ कॉन्फ़िगरेशन है वो है फॉरेस्ट, या नीचे जो हमने जनरल कॉन्फ़िगरेशन लिखा है वो। ठीक है, सो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या है कि ये जो कॉन्फ़िगरेशन होता है ये नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन के अलावा जो बचा हुआ कॉन्फ़िगरेशन है वो होता है। उस एलिमेंट से पहले कौन सी नोबल गैस है वो देखो, उसके अलावा जो बचा हुआ कॉन्फ़िगरेशन है वो है। चला आगे। सो ये था हमारे पास सेकंड ग्रुप, सॉरी फर्स्ट ब्लॉक, एस ब्लॉक एलिमेंट हो गए। ठीक है, देन इसके बाद पी ब्लॉक एलिमेंट, तो पी ब्लॉक एलिमेंट में ऑब्वियसली जैसा एस ब्लॉक एलिमेंट में क्या था, इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल में जा रहा था, पी ब्लॉक एलिमेंट में पी ऑर्बिटल में जाएगा। ठीक है, तो यहां पर क्या है, लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है
एंटर्स इनटू पी ऑर्बिटल, लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है पी ऑर्बिटल में जाता है। तो यहां पर एक्चुअली सिक्स ग्रुप होते हैं इसके। अच्छा, पहले जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बता देते हैं। तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है ये रहता है इसका एन एस टू, एन एस में दो इलेक्ट्रॉन रहेंगे, इसके अलावा एन पी वन टू सिक्स, ठीक है। पी में वन से लेकर सिक्स तक इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं एक एलिमेंट को छोड़ के एक्सेप्ट हीलियम। हीलियम जो है उसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, वन एस टू, ठीक है। हीलियम भी एक्चुअली किसमें आप रखा जाता है, पी ब्लॉक एलिमेंट में रखा जाता है, बट उसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है पी ऑर्बिटल में नहीं जा रहा है, वो नोबल गैस है, दैट्स व्हाई इसको लास्ट वाले ग्रुप में रखा गया है, ठीक है। हीलियम क्या है, नोबल गैस, इसलिए उसको लास्ट ग्रुप में रखा गया है, और लास्ट ग्रुप हम पी ब्लॉक में ही मानते हैं, बट एक्चुअली वो देखा जाए तो उसमें एस ऑर्बिटल में जा रहा है, ठीक है। तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया इसका एन एस टू, एन पी वन टू सिक्स, एस में दो इलेक्ट्रॉन होंगे और पी में वन से लेकर सिक्स तक कितने भी इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, ठीक है। तो नाउ सबसे पहले ग्रुप 13, तो ग्रुप 13 में क्या है, बोरोन से लेकर सीएल, ठीक है। अच्छा, फर्स्ट एलिमेंट के बेसिस पर ग्रुप का नाम भी आ सकता है, ठीक है। तो फर्स्ट एलिमेंट यहां पर क्या है, बोरोन है, तो उसके बेसिस पर इसको हम बोल सकते हैं बोरोन फैमिली, उसके बेसिस पर इसको हम क्या बोल सकते हैं, बोरोन फैमिली। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर तुम्हें इस ग्रुप का देखना है तो वो क्या हो जाएगा, इट इज एन एस वन, ठीक है, सॉरी एन एस टू एन पी वन, ओके। सो इस ग्रुप में पी में एक इलेक्ट्रॉन रहता है। ग्रुप 14 की अगर हम बात करेंगे तो इसमें कार्बन से लेकर पीबी तक है, तो फर्स्ट एलिमेंट कौन है, इसमें कार्बन है, तो उस बेसिस पर इस पूरे ग्रुप को हम कार्बन फैमिली भी बोल सकते हैं, ओके। और फर्स्ट एलिमेंट जो है कार्बन है, तो उस बेसिस पर कार्बन फैमिली। इसके अलावा इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर इस ग्रुप का देखोगे तो यहाँ पर एस में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं और पी में भी दो इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इस ग्रुप में जितने भी एलिमेंट है सभी के क्या होगा, एस में दो इलेक्ट्रॉन एंड पी में दो इलेक्ट्रॉन। इसके अलावा ग्रुप 15, तो ग्रुप 15 जो है नाइट्रोजन से लेकर बी आई तक हो गया। नाउ फर्स्ट एलिमेंट नाइट्रोजन है, तो उस बेसिस पर इसको क्या बोल देंगे, नाइट्रोजन फैमिली। एंड यहां पर एन एस टू एन सी थ्री कॉन्फ़िगरेशन, पी में तीन इलेक्ट्रॉन, जितने भी एलिमेंट उनमें क्या होगा, एस में दो और पी में तीन इलेक्ट्रॉन। इसके बाद ग्रुप 16, तो ग्रुप 16 में ऑक्सीजन से लेकर पीओ तक रहता है, फर्स्ट एलिमेंट कौन सा है, ऑक्सीजन, इसको ऑक्सीजन फैमिली बोल देते हैं। इसके अलावा इस एक और नाम है और चालकोजन, चालकोजन क्यों बोलते हैं, देखो क्योंकि चालको मतलब और जी एन आया जनरेटर, और जनरेटर है ये, मतलब और पता है तुम्हें, और पता है क्या, और ठीक है, जिनसे मेटल एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं। मेटल जो है अर्थ में किस फॉर्म में मिलते हैं, और के फॉर्म में मिलते हैं, ठीक है। तो मैक्सिमम जो और है ना, या तो ऑक्साइड वाले होते हैं या सल्फाइड वाले, तो ऑक्साइड एंड सल्फाइड, तो ऑक्सीजन और सल्फर दोनों इसी ग्रुप, ओके। सो ग्रुप 16 वाले जो एलिमेंट है वो ऑक्सीजन फैमिली बोल सकते हैं उनको, या फिर चालकोजन बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ग्रुप 16 का, ये होता है NH2NP4, मतलब क्या है कि एस में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं और पी में चार इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये लिखो, फिर आगे दो ग्रुप भी बताते हैं। यहाँ पर एस में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं और पी में चार इलेक्ट्रॉन होते हैं।
हो गया सबका? हाँ ठीक है, तो नाउ ग्रुप 17, तो ग्रुप 17 जो है उसमें फ्लोरीन से लेकर 80 तक, इस वाले ग्रुप को हम ऑब्वियसली फ्लोरीन फैमिली तो बोल ही सकते हैं, बट मेनली हैलोजन बोला जाता है, ठीक है, फ्लोरीन फैमिली। और हेलोजन यहाँ पर क्या है, तो हेलोजन देखो, हेलो मतलब सॉल्ट, और जी एन आई आपके पास जनरेटर, तो ऑब्वियसली ये क्या होते हैं, सॉल्ट जनरेटर। ओके, मैक्सिमम सॉल्ट अपने पास किसके होते हैं, हेलोजन ग्रुप के होते हैं, हम बोल सकते हैं मैक्सिमम सॉल्ट जो है हेलाइड है, जैसे NaCl हो गया, NaBr हो गया, है ना। तो ये क्या है, सॉल्ट जनरेटर है एक तरह से। तो इनका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इट इज NS2NP5। यहाँ पर क्या होगा, एस में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं इस ग्रुप के एलिमेंट में, और पी में पांच इलेक्ट्रॉन होते, ठीक है। एंड इसके बाद लास्ट ग्रुप आया हमारे पास ग्रुप 18, ठीक है, जो कि ऑब्वियसली नोबेल गैस वाला है। तो इसमें हीलियम से लेकर RN तक, तो ये जो है ये नोबेल गैस फैमिली हो गया। तो नोबेल गैस फैमिली, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑब्वियसली क्या है इसका, NS2NP6, एक्सेप्ट क्या, हीलियम, जिसका क्या है, हीलियम का क्या है, हीलियम का होता है 1s2, ठीक है। तो हीलियम के अलावा जितने भी एलिमेंट है सबका ग्रुप में और कॉन्फ़िगरेशन क्या रहेगा, NH2NP6 रहेगा। ओके, तो ये हमारे पास पी ब्लॉक एलिमेंट्स हो गए। ओके, सो पी ब्लॉक एलिमेंट्स में लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जाता है, पी ऑर्बिटल में जाता है। सर व्हाट आर हैलाइड, हैलाइड्स मतलब जो हैलोजन से मिलके बनते हैं, जैसे NaCl है, इट इज सोडियम क्लोराइड, NaBr इज सोडियम ब्रोमाइड, ठीक है। तो हैलोजन से मिलके जो हमारे पास मेटल, जब मतलब हैलोजन जब मेटल से कंबाइन होता है तो हैलाइड बनाता है। ओके, तो ये हमने पी ब्लॉक एलिमेंट कर लिया। हो गया सबका?
ठीक है, नौ आगे चलते हैं। तो ये हमारे पास एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक हो गया, ठीक है, एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक एलिमेंट हो गए। नाउ हम चलेंगे डी ब्लॉक एलिमेंट पर। तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स जिनका दूसरा नाम है ट्रांजिशन एलिमेंट, तो डी ब्लॉक एलिमेंट या ट्रांजिशन एलिमेंट जो है ऑब्वियसली इनमें क्या होता है, लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो किसमें एंटर होता है, लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो डी ऑर्बिटल में एंटर होता है। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इनटू डी ऑर्बिटल। तो इस ग्रुप में, सॉरी इस ब्लॉक में हमारे पास मेनली तीन सीरीज हैं। फर्स्ट है थ्री डी सीरीज। थ्री डी सीरीज में इलेक्ट्रॉन किस में जाता है, लास्ट इलेक्ट्रॉन थ्री डी ऑर्बिटल में जाता है। तो ये सीरीज जाती है फोर्थ ऑर्बिटल, सॉरी फोर्थ ग्रेड में, ठीक है। सबसे फर्स्ट वाला डी ब्लॉक का जो सीरीज है वो फोर्थ ग्रेड में आता है, और इसे हम थ्री डी सीरीज बोल सकते हैं बिकॉज इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है, थ्री डी में जा रहा है, लास्ट इलेक्ट्रॉन थ्री डी में जा रहा है। तो ये है, इसमें क्या है, इसमें एस सी से लेकर जेड एन तक आता है, ठीक है। इस सीरीज में क्या है, एस सी से लेकर जेड एन। इसके अलावा फोर डी सीरीज जो है ये आता है फिफ्थ ग्रेड में, एंड इसमें Y से लेकर CD तक रहता है, ठीक है। 4D सीरीज में Y से लेकर क्या रहता है, CD तक होता है। एंड 5D सीरीज की अगर हम बात करेंगे तो 5D सीरीज आती है सिक्स ग्रेड में। 5D सीरीज किसमें आता है, सिक्स ग्रेड में। तो इसमें फर्स्ट एलिमेंट क्या है, LA। एंड जैसा मैंने तुम्हें पहले ही बताया कि यार LA के बाद में नेक्स्ट 14 एलिमेंट जो है वो F ब्लॉक वाले, ठीक है, बट एल ए जो है वो डी ब्लॉक का है। तो एल ए और फिर इसके बाद में नेक्स्ट 14 एलिमेंट आ गए एफ ब्लॉक के। फिर हमारे पास आता है 14 एलिमेंट निकलने के बाद में आता है नेक्स्ट एच एफ, ठीक है, और उससे फिर आगे के एलिमेंट्स जो है एच एफ से लेकर कहाँ तक, एच जी तक, ये हमारे पास है डी ब्लॉक, ठीक है। तो सिक्स ग्रेड में या फाइव डी सीरीज में हमारे पास एक तो एल ए है और फिर एच एफ से लेकर एच जी, ठीक है। सो टोटल ये हमारे पास 10 एलिमेंट होंगे, एक तो ये हो गया एल ए और इसके अलावा इधर होंगे 9 एलिमेंट। तो ये 10 एलिमेंट जो है किसके हो गए, 5D सीरीज के, जो कि 6th ग्रेड में आएगा, ठीक है। सो मेनली ये तीन सीरीज होती है। ऑब्वियसली 7th ग्रेड वाली जो सीरीज है वो रेडियोएक्टिव है, उसकी हम बात नहीं कर रहे। तो ये हमारे पास मेनली तीन सीरीज होती है डी ब्लॉक एलिमेंट की, ठीक है। अगर इनका हम जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन देखें, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो अपने पास क्या होता है, एनएस जो है उसमें या तो एक इलेक्ट्रॉन होता है या दो होते हैं, ठीक है, और n माइनस वन डी में वन से लेकर टेन, ठीक है, d में एक से लेकर टेन इलेक्ट्रॉन तक हो सकता है, लेकिन s में या तो एक इलेक्ट्रॉन होगा या दो इलेक्ट्रॉन होंगे। जैसे देखो याद है वन इलेक्ट्रॉन किस में आते हैं, क्रोमियम कॉपर का याद है क्या, क्रोमियम कॉपर याद है, क्रोमियम का क्या था, क्रोमियम का था 4s1 3d5, याद है, एंड कॉपर का क्या था, 4s1 3d10, याद आया। ठीक है, सो इसलिए हम बोल रहे हैं कि s में एक इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है, जनरली s में दो इलेक्ट्रॉन होंगे, जनरली s में क्या होंगे, यहां पर दो इलेक्ट्रॉन होंगे, लेकिन कहीं कहीं पर एक इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है, ओके।
सो एन एस वन और टू, इसके अलावा एन माइनस वन डी में कितने होंगे, और देख लो यहां से भी देख सकते हो ना, ये देखो ये एन है और ये देखो एन माइनस वन है, ठीक है। तो अगर हमारे पास फोर्थ पीरियड है, अगर हमारे पास फोर्थ पीरियड है तो एस तो फोर्थ वाला फिल होगा, लेकिन डी कौन सा फिल होगा, डी देखो थ्री वाला फिल होगा, ठीक है। तो एन एस में एक या दो इलेक्ट्रॉन, और एन माइनस वन डी में वन से टेन तक कितने भी इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, ठीक है। तो डी जो है कौन सा फिल होता है, एन माइनस वन वाला फिल होता है। यहां से भी तुम देख सकते हो, देखो फोर्थ पीरियड में कौन सा डी फिल होता है, थ्री डी, ओके। सो जो हमारे पास डी फिल होगा वो एन माइनस वन वाला फिल होगा। एन पीरियड है तो डी कौन सा फिल होगा, एन माइनस वन वाला, ठीक है। तो फोर्थ पीरियड में कौन सा फिल होता है, थ्री डी। फिफ्थ पीरियड में कौन सा डी फिल होता है, फोर डी। सिक्स पीरियड में कौन सा डी फिल होता है, फाइव डी, ओके। तो एन एस वन या दो वन या टू इलेक्ट्रॉन, और एन माइनस वन डी में वन से लेकर टेन तक इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें भी एक एक्सेप्शन आ ही जाता है। इसमें देखो क्या है, हमने बोला कि एस एस में या तो एक इलेक्ट्रॉन होगा या दो इलेक्ट्रॉन होंगे, बट एक एलिमेंट है जिसमें एस में जीरो इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। तो इसका भी एक्सेप्शन है हमारे पास। एक्सेप्शन क्या है, एक्सेप्शन है पी डी। पी डी में हमारे पास एस में जीरो इलेक्ट्रॉन होते हैं। पी डी जो है वो एन आई के नीचे है। पी डी जो है वो क्या है, एन आई के नीचे है। तो इसमें इसका कॉन्फ़िगरेशन जो है एक्चुअली क्या होना चाहिए, इसका कॉन्फ़िगरेशन ये होना चाहिए था, फाइव एस टू फोर डी एट होना चाहिए था, बट इसका कॉन्फ़िगरेशन फाइव एस टू फोर डी एट ना होके फाइव एस जीरो फोर डी टेन होता, ठीक है। तो ये एक ऐसा एलिमेंट है जो डी ब्लॉक वाला है, लेकिन इसमें एस में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं। जनरली एस में क्या होगा, या तो एक इलेक्ट्रॉन होगा या दो इलेक्ट्रॉन होंगे, लेकिन पी डी जो है उसके केस में एस में जीरो इलेक्ट्रॉन। तो ये एक एक्सेप्शन आ गया जो इस जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को फॉलो नहीं करता। तो पी डी जो है एन आई के नीचे होता है, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन एन आई जैसा होना चाहिए, बट एन आई जैसा नहीं, थोड़ा अलग। तो बेसिकली यहां पर एस के दोनों इलेक्ट्रॉन किस में चले गए, जंप करके डी में चले गए। फाइव एस टू फोर डी एट होना चाहिए, बट एस के दोनों इलेक्ट्रॉन जब करके कहाँ चले गए, डी में चले गए। तो फोर डी टेन हो गया और फाइव एस जीरो हो गया। तो जैसा रहेगा,
हेलो। हेलो, आवाज आ रही है क्या? ओके, सो डिस्कनेक्ट हो गया था वाईफाई वजह से। तो हाँ, सो हम ट्रांजिशन एलिमेंट की बात कर रहे थे। तो ट्रांजिशन एलिमेंट जो है, ये डी ब्लॉक एलिमेंट जो है, देखिए वेरिएबल वैलेंस की भी होती है, ठीक है। सो दे हैव, पहले वाला पार्ट रफ हो गया बिकॉज वाईफाई चला गया था, तो हम नहीं बता सकते, दिखा सकते थे। सो दे हैव वेरिएबल बैलेंसेस एक्सेप्ट जेड एन एंड सी डी, ठीक है। तो जेड एन और सी डी को छोड़ के बाकी सभी का क्या है, वेरिएबल बैलेंस ही होता है यहाँ पर। इसके अलावा कॉपर एजी एंड ए, मतलब कॉपर गोल्ड एंड सिल्वर वगैरह जो है, ये कॉइनेज मेटल आर कॉइनेज मेटल, तो वो भी इसी ग्रुप के, सॉरी इसी उसके हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट के ही हैं, या हम बोल सकते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट के। ओके, तो ये हमारे पास ट्रांजिशन एलिमेंट या डी ब्लॉक एलिमेंट हो गए। कॉइनेज मेटल मतलब जिनसे हम कॉइन्स बनाते थे, ठीक है। पुराने जमाने में हम इनको कोई इनको इनको यूज करके क्या बनाते थे, कॉइन्स बनाते थे, ठीक है। यूज टू यूज टू मिंट कॉइन्स इन हिस्ट्री लिख लो, या हिस्टोरिकल लिख लो, कुछ भी लिख लो। यूज टू मिंट कॉइन्स हिस्टोरिकल, ठीक है। तो पुराने जमाने में कॉपर गोल्ड सिल्वर इन्हीं के कॉइन्स बनाए जाते थे ना। ओके, सो ये हमारे पास है ट्रांजिशन एलिमेंट। तो तीन हमारे पास हो गए, एस ब्लॉक एलिमेंट हो गया, पी ब्लॉक एलिमेंट हो गया, डी ब्लॉक एलिमेंट हो गया। नाउ बात करेंगे हम एफ ब्लॉक एलिमेंट की। लिख लिया सबने? ओके, तो एफ ब्लॉक एलिमेंट इनका दूसरा नाम है इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। इनर ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों? क्योंकि ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स के बीच में आते हैं, ठीक है। इनर ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों बोल रहे हैं? बिकॉज ये ट्रांजिशन एलिमेंट के क्या आते हैं, बीच में आते हैं। जैसे लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था कि ग्रुप थ्री में आते हैं, तो ग्रुप थ्री में बिटवीन एल ए एंड बाकी एलिमेंट, या आज भी बताया ना, एल ए और एच एफ के बीच में आते हैं ना एफ ब्लॉक एलिमेंट। तो एल ए भी ट्रांजिशन एलिमेंट है और एच एफ भी ट्रांजिशन एलिमेंट। ओके, तो इनर ट्रांजिशन एलिमेंट है, ठीक
तो इसमें हमारे पास मेनली दो ही सीरीज है, ठीक है। एक सीरीज आती है सिक्स ग्रेड में और एक सीरीज आती है सेवन्थ ग्रेड। तो सिक्स ग्रेड वाली जो सीरीज है उस सीरीज को हम 4F सीरीज बोल सकते हैं, या लेंथेनाइड बोल सकते हैं। लेंथेनाइड क्यों बोलते हैं? बिकॉज वो आफ्टर लेंथेनियम आती है, तो 4F सीरीज या लेंथेनाइड सीरीज। तो इस सीरीज में सी से लेकर एलयू तक, ठीक है, ये सीरीज जो इसमें सी से लेकर क्या है, एलयू तक है। और सेवंथ पीरियड जो है सीरीज में अगर हम देखेंगे तो लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो किस में जाता है, लास्ट इलेक्ट्रॉन यहाँ पर पाई एफ ऑर्बिटल में जाता है, दैट्स व्हाई पाई एफ सीरीज बोलेंगे इसको। एंड आफ्टर एक्टिनियम आता है तो इसको एक्टिनाइड बोल सकते हैं, ठीक है। सो लेंथेनाइड एंड एक्टिनाइड। तो एफ ब्लॉक एलिमेंट में क्या होता है, लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो कहाँ पर जाता है, लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इनटू एफ ऑर्बिटल। ओके, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन यहाँ पर एफ ऑर्बिटल में एंटर होता है। अच्छा, सिक्स पीरियड या सिक्स पीरियड की जो सीरीज है जो कि क्या है, लेंथेनाइड, उसमें सी से लेकर एलयू तक है। एंड सेवन ग्रेड की जो सीरीज है उसमें फर्स्ट एलिमेंट है टीएच और लास्ट एलिमेंट जो है वो है एलआर, ठीक है। तो टीएच से लेकर एलआर तक है। नाउ इस सीरीज का अगर हम जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें, इन ये दोनों सीरीज का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर देखें, या एफ ब्लॉक का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें, तो देखो क्या है, तो यहाँ पर एस में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, ओके। एस में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, दो। इसके बाद में जैसे देखो मैंने क्या बोला कि बिफोर सी एल ए फिल हो गया, मतलब डी में एक इलेक्ट्रॉन चला गया, और बिफोर टी एच ए सी फिल हो गया, वो भी क्या है, एसी भी क्या है, हमारे पास डी ब्लॉक एलिमेंट है, ठीक है। सो बिफोर सी एस एसी फिल हो गया जो कि डी ब्लॉक एलिमेंट है, तो अभी हम बोल सकते हैं कि डी में एक इलेक्ट्रॉन चला गया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, एन एस टू, तो एन एस में तो दो इलेक्ट्रॉन होंगे, इसके अलावा एन माइनस वन डी में या तो जीरो इलेक्ट्रॉन होगा या वन इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है। तो एस में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, एन माइनस वन वाले डी में या तो जीरो इलेक्ट्रॉन होता है या वन इलेक्ट्रॉन होता है। इसके अलावा एफ की अगर हम बात करेंगे तो एफ जो है एन माइनस टू वाला फिल होता है, यहाँ से भी देख सकते हो तुम, या सिक्स पीरियड है तो एफ कौन सा फिल हो रहा है, फोर्थ वाला फिल हो रहा है, ठीक है। सेवन्थ पीरियड है तो एफ कौन सा फिल हो रहा है, फाइव एफ वाला फिल हो रहा है, ओके। सो एफ जो है कौन सा फिल होता है, एन माइनस टू वाला, तो उसमें वन से लेकर फोर्टीन तक, ठीक है। सो एन एस टू, एस में दो इलेक्ट्रॉन, डी कौन सा फिल होगा, एन माइनस वन वाला डी फिल होगा, इससे पहले उसमें या तो जीरो इलेक्ट्रॉन रहेगा या वन इलेक्ट्रॉन रहेगा। और एफ की अगर हम बात करेंगे तो एन माइनस टू वाला फिल होता है, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, उसमें वन से लेकर फोर्टीन तक इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा ये फर्स्ट वाली जो सीरीज है इसमें एक ही एलिमेंट है जो रेडियोएक्टिव है, ठीक है, यहाँ पर ओनली पीएम इज रेडियोएक्टिव, एक ही एलिमेंट है पीएम जो कि रेडियोएक्टिव है। और ये वाली जो सीरीज है इसमें सारे एलिमेंट रेडियोएक्टिव, ठीक है, दैट्स व्हाई सेवंथ पीरियड वाली जो सीरीज है जो कि एक्टिनॉइड है उतनी इंपॉर्टेंट है भी, ठीक है। तो यहाँ पर ऑल एलिमेंट्स आर रेडियोएक्टिव। ओके, सो एफ ब्लॉक वाली सीरीज है दो है, एक लेंथेनाइड है दूसरा एक्टिनाइड है। लेंथेनाइड में ऑब्वियसली सी से लेकर एलयू है, एंड एक्टिनाइड में टीएच से लेकर एलआर। ये दोनों जो सीरीज है
ये किस कहाँ पर आती है, ये इन बिटवीन डी ब्लॉक एलिमेंट या ट्रांजिशन एलिमेंट आते हैं, दैट्स व्हाई ने इनर ट्रांजिशन एलिमेंट भी बोल देते हैं। ठीक है तो लिखो फिर आगे चलेंगे। हो गया सभी का? तो ये हमने चारों टाइप के ब्लॉक पढ़ लिए, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक। ठीक है, नाउ अगर हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वगैरह दिया है और उस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को यूज करके कोई बोलता है कि ये कौन सा ब्लॉक है या ये कौन से पीरियड में आ रहा है या फिर ये कौन से ग्रुप का है, तो हम बताते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हेडिंग डालो, डिटर्मिनेशन ऑफ पीरियड ब्लॉक एंड ग्रुप ठीक है, तो डिटरमिनेशन ऑफ पीरियड ब्लॉक एंड ग्रुप। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पीरियड की। तो पीरियड हम कैसे डिटरमाइन करेंगे, तो पीरियड कैसे पता चलेगा, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है या वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन जो है उसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ठीक है, तो पीरियड कहां से पता चलेगा, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन। ओके,
जैसे मान लो हम ऐसे ही कोई एक कॉन्फ़िगरेशन ले लेते हैं, जैसे मान लो हमने लिया 6s2 एंड 5d8, 5d8 नहीं 5d7, ठीक है। तो यहाँ पर वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन कौन सा है बताओ, 6s2 5d7 जो है उसमें वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन कौन सा है? सिक्स एस वाला इलेक्ट्रॉन वैलेंस सेल है या 5d वाला? वैलेंस सेल मतलब सबसे बाहर की साइड वाला ऑर्बिट, ठीक है। तो 6s वाला जो है वो वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन, ओके। तो ये वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन है, तो इसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या है, ठीक है, दिस इज वैलेंस सेल, तो इसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या हुआ, ऑब्वियसली 6 हो गया ना, ठीक है। तो कौन सा पीरियड आया, ये आ गया 6 पीरियड, ओके। तो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन का जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है उसके बेसिस पर हम क्या बता सकते हैं, पीरियड नंबर बता सकते, ओके। तो पीरियड कैसे पता चलेगा, ऑन द बेसिस ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन। इसके बाद ब्लॉक कैसे पता चलेगा, ये हमारे पास एस ब्लॉक का है, पी ब्लॉक का है, डी ब्लॉक का है, ब्लॉक का है, तो ये पता चलेगा कि लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो किस टाइप के ऑर्बिटल में फिल हुआ है, ठीक है। तो टाइप ऑफ ऑर्बिटल फिल्ड बाय लास्ट इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो जैसे यही वाला एग्जांपल अगर हम लें 6s2 5d7, तो इसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन किस टाइप के ऑर्बिटल में फिल हुआ है बताओ, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन है लास्ट इलेक्ट्रॉन, वो था डिफरेंट, है ना। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां पर गया है, तो देखो अभी तक हम ऐसा देखेंगे कि यार 5d7 है यहाँ पर और 6s2 है, तो यार ये 5d7 जो है ये 2nd हमारे पास ब्लॉक, ब्लॉक कैसे पता चलेगा, तो जैसे हमने बताया ब्लॉक पता चलेगा कि किस टाइप का ऑर्बिटल लास्ट इलेक्ट्रॉन ने फिल किया है, तो टाइप ऑफ ऑर्बिटल फिल्ड बाय लास्ट इलेक्ट्रॉन, ठीक है। जैसे एग्जांपल वही ले लेते हैं 4s2 एंड 5d7, सॉरी क्या था 6s2 एंड 5d7, तो 6s2 एंड 5d7 की अगर हम बात करेंगे तो इसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में गया है, डी में गया है, क्यों, क्योंकि डी में जब तक 10 इलेक्ट्रॉन नहीं हो जाते तब तक इलेक्ट्रॉन डी में ही फिल होगा ना। तो अभी तक अभी हमारे पास क्या है, डी में 7 इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब क्या है कि अभी इलेक्ट्रॉन डी में गया है और आगे आने वाले 3 इलेक्ट्रॉन भी डी में जाएंगे, ओके। सो ये किसका हो गया, ये हो गया डी ब्लॉक एलिमेंट,
लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में गया, डी में गया। ओके देन इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास ग्रुप नंबर, तो ग्रुप कैसे पता चलेगा, तो देखो इसके लिए अलग अलग ब्लॉक के लिए अलग अलग है हमारे पास। अगर हम बात करेंगे एस ब्लॉक की, तो एस ब्लॉक का ग्रुप कैसे पता चलता है, तो एक्चुअली एस एंड यस एस ब्लॉक की बात कर लेते हैं। तो एस ब्लॉक में अगर हम देखेंगे तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, अगर हमारे पास एस ब्लॉक वाला एलिमेंट है तो जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उतने हमारे पास क्या हो जाएंगे, उतना ही ऑब्वियसली ग्रुप नंबर हो जाएगा। तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो एस ब्लॉक का ग्रुप नंबर है। अगर हम बात करेंगे पी ब्लॉक की, तो पी ब्लॉक में देखो कि पी ब्लॉक में क्या देखोगे, इसमें देखो कि नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, और उसमें प्लस 10 कर दो। ठीक है, तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस 10 कर दो। जैसे मान लो हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन है फाइव एस टू एंड फाइव पी थ्री, ये कॉन्फ़िगरेशन है मान लो। ठीक है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, ऑब्वियसली फाइव एस टू फाइव पी थ्री है ना, तो पांच इलेक्ट्रॉन हो गए ना वैलेंस, तो कौन सा होगा ग्रुप नंबर बताओ। तो यहाँ पर ग्रुप नंबर क्या हो गया, 5 + 10 15 हो गया ना। ओके, सो पी ब्लॉक के लिए ग्रुप नंबर क्या होगा, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस 10, और एस ब्लॉक के लिए क्या होगा, एस ब्लॉक के लिए जस्ट नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, लिखो फिर आगे चलते हैं। डी और एफ का भी बताते हैं कि उसका ग्रुप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे।
मृदुल हमने वो एग्जांपल लिया है कि जैसे मान लो हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन है फाइव एस टू फाइव पी थ्री, ठीक है, तो कोई बोलता है यार ये कौन से ब्लॉक का है, सॉरी कौन से ग्रुप का है, तो सबसे पहले तो हमें आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा ब्लॉक है, तो ऑब्वियसली पी ब्लॉक है, क्यों, क्योंकि पी का ऑर्बिटल पूरा फिल नहीं हुआ है, पी की सबसेल अभी भी पी में इलेक्ट्रॉन फिल किए जा रहे हैं ना, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन पी में ही गया होगा, तो ये पी ब्लॉक वाला है, और पी ब्लॉक वाले में कैसे देखेंगे ग्रुप, तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है, ऑब्वियसली यहाँ पर वैलेंस शेल फिफ्थ ऑर्बिट है ना, तो फिफ्थ ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन, तो फिफ्थ ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है, फाइव है कि नहीं है, टू प्लस थ्री फाइव है ना, ओके, सो फाइव इलेक्ट्रॉन है, तो फाइव प्लस टेन, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस टेन, दैट विल बी ग्रुप नंबर, समझाया, ओके, सो इस टाइप से एस और पी ब्लॉक का हमने देख लिया ग्रुप नंबर। नाउ डी ब्लॉक का ग्रुप नंबर अगर हम देखेंगे तो डी ब्लॉक के लिए ग्रुप नंबर है नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन माइनस वन डी, ठीक है, एन माइनस वन डी में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब कितने इलेक्ट्रॉन, वो भी हमें ऐड करना है। जैसे देखो कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं, हमने थोड़ी देर पहले ही लिया था 6s2 5d7, यही वाला ले लेते फिर से, तो इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, दो है ना, 6s में कितने इलेक्ट्रॉन, दो, इसके अलावा n माइनस वन डी में कितने इलेक्ट्रॉन है, सेवन, ठीक है, तो टू प्लस सेवन दैट इज नाइन, तो इसका ग्रुप नंबर क्या हो गया, नाइन, ओके, सो डी ब्लॉक के लिए ग्रुप नंबर क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन माइनस वन। इसके अलावा एफ ब्लॉक की अगर हम बात करेंगे, सो एफ ब्लॉक का जो ग्रुप नंबर है इट इज थ्री, जैसे मैंने पहले ही बताया है कि जितने भी एफ ब्लॉक एलिमेंट्स हैं सारे के सारे थर्ड ग्रुप में होते हैं, और यही एक रीजन होता है जिसकी वजह से क्या किया जाता है, एल ए और ए सी जो है उसको भी नीचे लिखा जाता है, जो एल ए और ए सी वाली जगह होती है ना पीरियोडिक टेबल में वो खाली छोड़ दी जाती है और एल ए और ए सी को नीचे लिख दिया जाता है, ठीक है, एल ए सी एंड देन एल यू और ए सी के साथ पी एच लिख दिया जाता है एंड पी एच से लेकर एल आर, ठीक है, तो नीचे ये हमें 14 एलिमेंट की बजाय कुछ कुछ पीरियोडिक टेबल में तुम्हें 15 एलिमेंट लिखे मिलेंगे नीचे, और एल ए और ए सी वाली जगह जो है यहाँ पर ब्लैंक मिलेगी, तो उसका मतलब क्या है कि इंक्लूडिंग एल ए एंड ए सी नेक्स्ट 14 एलिमेंट जो है आगे आने वाले जो 14 एलिमेंट जो है ये सारे के सारे एल ए और ए सी वाली जगह, ठीक है, सो जितने भी एफ ब्लॉक एलिमेंट्स हैं सारे के सारे थर्ड ग्रुप में आते हैं, एल ए और ए सी तो थर्ड ग्रुप में आते ही हैं, इनके अलावा इनके पास के जो 14 एलिमेंट्स हैं वो भी थर्ड ग्रुप में ही आते हैं, ठीक है, सो ये हमारे पास ग्रुप नंबर थ्री होता है एफ ब्लॉक एलिमेंट्स का,
हो गया सबका? हाँ ठीक है। तो हमारे पास पीरियडिक टेबल जो है उसमें 7 पीरियड है, ठीक है। तो फर्स्ट पीरियड जो है उसमें हमारे पास 2 एलिमेंट, ठीक है, एंड इसको हम शॉर्टेस्ट पीरियड बोलते, सेकेंड पीरियड की अगर हम बात करेंगे तो इसमें 8 एलिमेंट है और इसको हम शॉर्ट पीरियड बोलते, थर्ड पीरियड जो है इसमें भी 8 एलिमेंट है और इसको भी शॉर्ट पीरियड बोला जाता है। फोर्थ पीरियड एंड फिफ्थ पीरियड की अगर हम बात करें तो फोर्थ एंड फिफ्थ पीरियड में कितने एलिमेंट होते हैं? देखो यहां पर क्या है, यहां पर जस्ट हाइड्रोजन हीलियम है, यहां पर एस और पी ब्लॉक एलिमेंट है। फोर्थ एंड फिफ्थ पीरियड में हमारे पास डी ब्लॉक एलिमेंट भी आ जाता है, तो डी ब्लॉक एलिमेंट के 10 और एलिमेंट आ जाते हैं, दैट्स तो यहाँ पर क्या हो जाता है, 18 एलिमेंट हो जाता है, ओके। और इसको हम लॉन्ग पीरियड बोल देते हैं। लेकिन सिक्स और सेवन पीरियड की अगर हम बात करेंगे तो डी ब्लॉक के साथ साथ यहाँ पर क्या आ जाता है, एफ ब्लॉक एलिमेंट भी आ जाता है। और एफ ब्लॉक के कितने आते हैं, एफ ब्लॉक के कितने आते हैं, 14 एलिमेंट और आ जाते हैं ना, तो 18 प्लस 14 कितने हुए, 30, ठीक है। सो सिक्स एंड सेवन्थ पीरियड में हमारे पास क्या है, 32 एलिमेंट, और इनको हम लॉन्गेस्ट पीरियड बोले। सिक्स एंड सेवन्थ पीरियड को हम क्या बोलेंगे, लॉन्गेस्ट पीरियड बोले। क्लियर है? तो फर्स्ट पीरियड इज शॉर्टेस्ट, सेकंड एंड थर्ड पीरियड इज शॉर्ट पीरियड, फोर्थ एंड फिफ्थ पीरियड इज लॉन्ग पीरियड, एंड सिक्स एंड सेवन्थ पीरियड इज लॉन्गेस्ट पीरियड। हो गया सभी का? तो नाउ देखो हमारे पास
जो पीरियोडिक टेबल है वो किस टाइप की है। तो इधर एक एलिमेंट है, ठीक है, फिर उसके बाद एक एलिमेंट और है, फिर उसके बाद ऐसे 10 तक कोई एलिमेंट नहीं, अगले 10 वाले फिर वापस आएंगे हमारे पास ऐसा, और लास्ट वाले में एक एलिमेंट और आ, ठीक है। तो कुछ अपने पास इस टाइप की पीरियोडिक टेबल होती है ना। ठीक है, ऐसी होती है अपने पास पीरियोडिक टेबल। तो इसमें ठीक है, तो देखो डायगनली हमारे पास डायगनली जो है वो क्या होते हैं, इधर डायगनली क्या आते हैं, मेटलॉइड आते हैं क्या? डायगनली मेटलॉइड्स आते ही नहीं आते, बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक वगैरह मेटलॉइड्स है ना। ओके, तो ये मेटलॉइड्स है। इसके अलावा इनके राइट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में क्या होते हैं, नॉन मेटल्स होते हैं। मेटलॉइड्स के राइट हैंड साइड वाला क्या हो जाएगा हमारे पास, नॉन मेटल्स हो जाएगा, और मेटलॉइड्स के लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट जो है वो क्या हो जाएगा, मेटल्स हो जाएगा। तो ऑब्वियसली मेटल्स हमारे पास ज्यादा है, नॉन मेटल्स बहुत कम है। ओके, तो डायगनली हमारे पास ये जो है, जैसे ये सब जो है ये क्या हो गया, मेटलॉइड हो गया, इसके राइट हैंड साइड वाला पार्ट जो है वो क्या हो गया, नॉन मेटल, लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट जो है वो क्या हो गया, मेटल। ठीक है, तो ऐसा होता हमारे पास पीरियोडिक टेबल में मेटल नॉन मेटल वगैरह। इसके अलावा इस पूरे पीरियोडिक टेबल में हमारे पास लिक्विड कौन है, पूरे पीरियोडिक टेबल में लिक्विड कौन है, ब्रोमीन? यस, ब्रोमीन इज लिक्विड नॉन मेटल। ब्रोमीन जो है वो लिक्विड नॉन मेटल। ठीक है, तीन ही लिक्विड है हमारे, एक्चुअली दो ही लिक्विड है, तीसरा लिक्विड को भी मतलब हम जनरली लिक्विड बोल देते हैं, बट वो रूम टेम्परेचर की जब हम बात करेंगे तो उसको लिक्विड नहीं मानते हैं। ठीक है, बट ठीक है, हम बोलते हैं कि यार उसको जब हम हथेली पर रखेंगे तो, हाथ पर रखेंगे तो वो पिघल जाता है, सो दैट्स वाई वी कैन टेक इट एज लिक्विड ऑल्सो। सो बट ब्रोमीन इज लिक्विड नॉन मेटल। ठीक है, इसके अलावा मर्क्यूरी जो है वो लिक्विड मेटल है, मर्क्यूरी इज लिक्विड मेटल। हम रूम टेम्परेचर की बात कर रहे होते हैं, दैट्स वाई ओनली टू ऑफ दीज आर लिक्विड। ठीक है, या बट जी एक ही अगर हम बात करेंगे तो इज लिक्विड इफ टेम्परेचर इज ग्रेटर देन 30 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, सो 30 डिग्री पर जीए जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, हम बोल सकते हैं कि 30 डिग्री इसका एक तरह से क्या है, मेल्टिंग पॉइंट है। ओके, सो जनरली हम रूम टेम्परेचर की बात कर रहे होते हैं, मतलब 25 डिग्री सेल्सियस वगैरह की बात कर रहे होते हैं। ऑब्वियसली रूम टेम्परेचर मतलब इंडिया का रूम टेम्परेचर नहीं, बाहर का रूम टेम्परेचर, बिकॉज इंडिया में रूम टेम्परेचर इज नॉट 25 डिग्री, है ना। तो हम रूम टेम्परेचर की बात कर रहे हैं, मतलब 25 डिग्री सेल्सियस की बात कर रहे हैं। तो 25 डिग्री सेल्सियस पर ऑब्वियसली जीए जो है मेटल सॉलिड ही रहेगा, बट अगर 30 डिग्री की बात कर लेंगे हम तो 30 डिग्री पर वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, सो मेनली टू एलिमेंट्स आर लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, वन इज ब्रोमीन, द अदर इज मर्क्यूरी। जीए कैन बी लिक्विड बट इट विल बी लिक्विड इफ टेम्परेचर इज ग्रेटर देन 30 डिग्री। ओके, तो ये हमारे पास हमने कर लिया एनालिसिस ऑफ पीरियोडिक टेबल, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ठीक है, सो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का हमने एनालिसिस कर लिया, कौन क्या है, कहां पर आ रहा है, ठीक है, वो सब हमने यहाँ पर देख लिया। तो आज का लेक्चर हम फिर यहीं पे खत्म करेंगे। थोड़ा सा तुम्हें ये चीज बता देते हैं कि नेक्स्ट लेक्चर में, मतलब अभी नेक्स्ट लेक्चर को तुम्हारा कमिंग वीक ही है, तो उस
उसमें तुम्हारा बैच जो है दूसरे बैच के साथ मर्ज किया जाएगा, एंड मे बी मैं वो लेक्चर लूँ या मे बी दूसरे सर वो लेक्चर लें, मोस्टली दूसरे सर ही वो लेक्चर लेंगे। तो दूसरे सर मतलब जो दूसरा बैच पढ़ा रहे हैं वही वाले सर मोस्टली वो लेक्चर लेने वाले हैं। तो उन्हें मतलब वो अगर पूछते हैं कि कितना सिलेबस हो गया है पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में, तो स्टार्ट करना है डेड इफेक्टिव या इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है ना वहां से स्टार्ट करना है। उससे पहले वाला पार्ट अपना हो चुका, मतलब अभी हमारे पास क्या बचा है पीरियोडिक प्रॉपर्टीज वाला जो पार्ट है ना, हमने जो बताया था इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज हो गया। नो नो नॉट ओनली फॉर वन क्लास, आगे सारी क्लासेज में तुम मतलब उसी बैच के साथ मर्ज रहोगे, ठीक है। तो सारी क्लासेज मतलब अभी तुम लोगों का दो बैच मर्ज हो जाएगा आगे वाली क्लासेज, तो स्टार्ट करना है अभी, ठीक है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज या जेड इफेक्टिव, तो वहां से स्टार्ट करना है। नो नॉट ओनली फॉर केमिस्ट्री, फॉर ऑल। सोनक आई डोंट नो अबाउट दैट कि टोटल कितने स्टूडेंट्स हो जाएंगे, बट यस इट विल बी मर्ज विद अदर बैच, मोस्टली डबल ही होंगे तुम्हारे बैच के, डबल ही होंगे मोस्टली, ठीक है। सो यस फॉर ऑल सब्जेक्ट इट विल बी मर्ज कमिंग वीक, ठीक है। सो कमिंग वीक में तुम्हारा जो बैच है वो दूसरे बैच के साथ मर्ज किया जाएगा, वो हर साल होता है, ठीक है। जब सिलेबस हम पैरेलल कर देते हैं तो बैचेस को मर्ज कर दिया जाता है। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है वो स्टार्ट करवाना है, ठीक है। उससे पहले वाला पार्ट जो एनालिसिस वाला पार्ट जो है वो हमने करा दिया है, तो नेक्स्ट जो स्टार्ट होगा वो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज से होगा। तो अगर सर पूछते हैं कि कितना हो गया है तो तुम बता देना कि सर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज से स्टार्ट करवाना, ओके। आई डोंट नो कि सारे टीचर चेंज होंगे या नहीं होंगे, बट ऑब्वियसली या तो दूसरे बैच के टीचर चेंज होंगे या तुम्हारे बैच के टीचर चेंज होंगे, कोई ना कोई तो चेंज होगा ही, ठीक है। सर व्हाट अबाउट डाउट ग्रुप्स, तो देखो अगर न्यू टीचर आएगा तो ऑब्वियसली डाउट ग्रुप जो है वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। न्यू टीचर आएगा तो तुम दूसरे ग्रुप का में चले जाओगे, अगर तुम्हारा मैं खुद रहा तो ऑब्वियसली मैं फिर डाउट बताऊंगा, ओके। मोल के विंडो टू जेई मेन जो है, वैसे मैंने वो ऑलरेडी तुम्हें ग्रुप पर सेंड कर दिए थे सॉल्यूशन, याद है बिफोर TWT मैंने ग्रुप पर सॉल्यूशन सेंड किए थे विंडो टू जेई मेन के। बट स्टिल अगर हमारा नेक्स्ट वीक में कोई डाउट लेक्चर लगता है, ठीक है, तो उस डाउट लेक्चर में हम वो बचा हुआ जो मोल कॉन्सेप्ट का डिस्कशन है वो भी करा दें। एक्चुअली इस वीक हम करा देते बट तुम्हारा नेक्स्ट वीक क्या मर्ज किया जा रहा है तो उसके पैरेलल मुझे सिलेबस लेके आना था, दैट्स व्हाई हमने कल और आज का लेक्चर जो है वो पीरियोडिक स्टार्ट कर दिया था, ठीक है। सो अगर नेक्स्ट वीक हमारा कोई डाउट लेक्चर लगता है तो ऑब्वियसली हम वो मोल कॉन्सेप्ट का बचा हुआ जो डिस्कशन है वो कंप्लीट करा दें, ठीक है। सो बाय, टेक केयर, है ना। मैं रिकॉर्डिंग एंड स्लाइड्स वगैरह की जो स्क्रीनशॉट है वो सेंड कर दो।